बुलंदशहर एसएसपी कार्यालय स्थित महिला सेल में लगी सैनिटरी वेंडिंग मशीन। महिला पुलिसकर्मियों एवं महिला फरियादियों की सहूलियत के लिए एक एनजीओ की पहल पर लगी सैनिटरी वेंडिंग मशीन। एएसपी अनुकृति शर्मा ने किया उद्घाटन। बोली एएसपी अनुकृति, सैनिटरी नैपकिन हर महिला की बेसिक जरूरत। सैनिटरी पैड मशीन महिला पुलिसकर्मियों एवं महिला फरियादियों की सुविधा के लिए लगाई गई है, जो महिला अधिकारियों कर्मचारियों को शारीरिक एवं मानसिक समस्याओं से दूर रखने में मदद करेगी। जोगेंद्र लोधी। आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मिशन शक्ति का फेस 4 लॉन्च किया गया है। हम लोग जितने भी पहलू हैं उनकी तरफ से मिशन महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है महिलाओं की, पीरियड्स की जो प्रॉब्लम है, वो एक टैबू सब्जेक्ट रहता है, लोग इसके बारे में खुल के बात नहीं करते हैं। पर उसके बारे में खुल के बात करना, महिलाओं को इसकी हाइजीन के बारे में बताना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है। महिला सेल में सबसे ज़्यादा महिलाएँ आती हैं अपनी समस्याओं को लेकर, और पुलिस ऑफिस से पर जनपद की पूरे जनपद से महिलाएं आती हैं। इसीलिए यहाँ की जो महिला सेल प्रभारी है उनके निर्देशन में बड़ा ही सुंदर इनिशिएटिव लिया गया है। यहाँ पे हमारे पास और भी महिलाएं हैं जिन्होंने इस राधे श्याम क्लब की महिलाएं हैं जिन्होंने इसे फंड किया, और तो सभी के सहयोग से प्रशासन, पुलिस और जो एनजीओस इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आज एक सुंदर इनिशिएटिव लिया गया है। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि बुलंदशहर पुलिस और पूरे उत्तर प्रदेश पुलिस के जितने भी पुलिस ऑफिसर्स हैं उसके अंदर हम लोग मेंस्ट्रुअल हाइजीन का जो ऑब्जेक्टिव है, जो संदेश है, वो सब तक पहुँचा पाए। महिलाओं में ये एक महामारी जो कि बहुत ही सामान्य सी प्रॉब्लम है, वो उनके डेवलपमेंट में, उनकी एम्पावर किसी भी तरीके से बाध होना। मैम, जो अन्य थाने हैं क्या वहाँ पे भी इस तरीके की? जी हाँ, ये हम लोगों ने एक्चुअली एक एक्शन प्लान तैयार किया था बुलंदशहर के लिए कि हम क्या क्या इनिशिएटिव्स लेंगे। उसके अंदर दो चीज़ों पे हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट इम्फोसिस था। पहला, महिलाओं के लिए टॉयलेट्स, जो महिला थाने के अलावा जितने भी थाने हैं जनपद के, सभी में अच्छे फंक्शनल टॉयलेट्स पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग हों। दूसरा, महिला टॉयलेट्स के अंदर जैसे कि आप जानते हैं महामारी की समस्या रहती है, वहाँ पे हम लोगों ने बात किया है जहाँ सहयोग मिलेगा वहाँ वेंडिंग मशीन, जहाँ सहयोग नहीं मिलेगा वहाँ कम से कम महिला हेल्प डेस्क पे फ्री में सैनिटरी पैड्स अवेलेबल रहेंगे। इसके अलावा हम लोग एक और कोशिश कर रहे हैं कि आप देखते होंगे कि महिलाएं कभी भी अपने बच्चों को छोड़ के नहीं आती, छोटे छोटे बच्चे उनके साथ थानों पे आती हैं। जे एक्ट में भी ये प्रोविज़न है कि एक चाइल्ड फ्रेंडली रूम हर थाने पे रहे, तो हम लोग उस चीज़ का भी इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। सर्कल नगर के कुछ थानों में ये ऑलरेडी बन चुका है, जिनका फॉर्मल इनोग्रेशन बाकी है, महिला थाना में ये रेडी है और पूरे जनपद में इस चीज़ को फैलाया जाएगा। तो ये तीन प्राथमिक चीज़ों पर हम लोगों ने एम्फेसिस दिया। ठीक है, थैंक यू।